दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कंबाइन, जिसे स्थानीय भाषा में कंपन कहते हैं, कंपन किस तरह से काम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को मैं इस वीडियो मार्फत स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अब तक हमारे इलाके में कई तरह के कंपन देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपन का कंपनियां बहुत है, जैसे प्रीत, सिमरन, बलकार वगैरह वगैरह। पर ये जो आप देख रहे हैं ये है बलकार, जो बहुत ही सक्सेसफुल कंपन है। तो दोस्तों आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल में दिया गया हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर का साथ कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कंपन, इस तरह से आगे का ओर धान को काटते हैं और ये प्रेशर का माध्यम अंदर जाकर थ्रेशरिंग भी होता है। थ्रेशरिंग होने के बाद धान जो है वो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं इस टंकी में जाकर जमा होते हैं और जैसे ही ये भर जाते हैं फिर बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ धान भर चुका है। अब इसे ट्रैक्टर का पास जाके या फिर ट्रैक्टर को अपना पास बुला के इस धान को इस पाइप का माध्यम से ट्रॉली में गिराते हैं। जो कंपन में अलग अलग लीवर लगे होते हैं, जैसे कि चलाने का, धान काटने का, थ्रेशरिंग करने का और दाना बाहर निकालने का, इन लीवर का माध्यम से टंकी में भरा धान को इस तरह से ट्रैक्टर का ट्रॉली में गिराया जाता है। आप यहां देख सकते हैं इस तरह से धान गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इस टंकी का धान इस पाइप द्वारा ट्रॉली में गिराते हैं और फिर कटिंग करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस टंकी में अगर बरखे धान जो जनवरी महीने में लगाते हैं और मई में काटते हैं, इस सीजन का धान लगभग 10 क्विंटल इस बलकार कंपन में आते हैं, और जो अक्टूबर नवंबर में कटिंग होते हैं जो धान, वो लगभग 8 क्विंटल तक कटते हैं इसमें। अगर इसका प्रति घंटा धान कटाई का बात करें तो ये लगभग 1 बीघा नेपाली अक्टूबर और नवंबर महीने में कटिंग कर लेता है। और इस समय का बात करें जो बरखा का समय है, इस समय में लगभग 15 कट्ठा जो है ये प्रति घंटा को कटिंग करता है। अगर आपको क्षेत्रफल को वर्ग फीट में तुलना करें तो ये इस समय का अगर 15 कट्ठा का वर्ग फीट में अगर लिया जाए तो 54,675 वर्ग फीट लगभग ये कटिंग करता है। उसी तरह से सूखा मौसम में, जो कि अक्टूबर नवंबर में ये सूखा धान जो कटिंग होता है, उस समय में ये लगभग 72,900 वर्ग फीट क्षेत्रफल का ये धान कटिंग कर सकता है। तो दोस्तों अगर इस कंपन में डीजल खपत का बात करें तो ये लगभग 1 घंटा में 5 से 6 लीटर डीजल खपत होते हैं, ये कंपनियाँ दावा करती हैं। इसी तरह से अगर इस कंपन का कीमत का बात करें तो इंडिया में इसका कीमत लगभग 21 से 24 लाख में आ जाते हैं, और ये मॉडल अनुसार दाम में कुछ फर्क हो सकता है। और इसी कंपन को अगर नेपाल में लाना चाहे तो वो लगभग 40 से 45 लाख लग जाते हैं, जो कि जिसमें भंसार खर्च भी शामिल है। दोस्तों मैं आपको और एक, अगर हम कंपनियां का बात करें तो हमारे सामने और एक कंपन है जो आप लेबल को देख ही सकते हैं, ये है मथारू 4600। वैसे ये नेपाल में कम ही देखा गया है। कृषि यंत्र का सारे कंपनियां इंडिया के हैं जो पंजाब से संबंधित हैं। इंडिया में खेती का बात करें तो नंबर 1 पर पंजाब आते हैं, और पंजाब ही कृषि यंत्र उपयोग का पहला स्टेट माना जाता है। और आप जो ये कंपन देख रहे हैं जिसे मथारू कंबाइन हार्वेस्टर कहा जाता है, इसका अगर एक्चुअल कीमत का बात करें तो ये इंडिया में इसका कीमत है 21 लाख, और अगर ये नेपाल में लेना चाहे तो इसका कीमत लगभग 35 से अधिक हो सकता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर का साथ कमेंट करना ना भूले, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।